हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में प्रकृति ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऊपरी शिमला और किन्नौर में कई स्थानों पर बाढ़ आने के कारण भारी नुकसान हुआ है। शिमला जिला के रामपुर बुशहर के ननखड़ी तहसील में इसका असर अधिक देखने को मिल रहा है। यहां कई मकान मलबे की चपेट में आ गए हैं। कुछ मकानों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। वहीं भूस्खलन होने के कारण दर्जनों दुकानें खाली कर दी गई हैं। दोनों ओर मार्ग अवरुद्ध होने के कारण दुकानें खाली कर सामान इधर उधर ले जाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। ऐसे में लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र चौहान है और मैं ग्राम पंचायत अड्डू का रहने वाला हूं। जिस तरह से इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में तराई तराई मची हुई है, तो उसी तरह से हमारा गांव, जो हमारी ग्राम पंचायत अड्डू है और सामने शिल्ला गांव है, इसी तरह से हमारे आसपास के भी कई गांव बुरी तरह से बारिश के पानी से प्रभावित हुए हैं। और हमारे लगभग गांव में 20 मकान के आसपास ऐसे हैं जिनको छोड़कर लोग इस समय दूसरों के घरों में अपना समय बिता रहे हैं। और ना ही तो हमारे गांव के जो पीछे जंगल आता है उसमें बहुत बड़ी एक चट्टान है, उसके पीछे प्रॉपर ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है और जंगलों में दरारें आ चुकी हैं। तो सरकार से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि वो भी अड्डू गांव की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे। हमारी सड़कें भी बंद पड़ी हैं, लाइट का भी कोई अता पता नहीं है, पानी भी बीच बीच में कभी आता है कभी नहीं आता है और हमारी जो फसलें हैं उनका भी तोड़ने का समय आ गया है, लेकिन रोड अभी तक हमारे सारे बंद पड़े हैं। तो प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो अड्डू गांव की और अड्डू पंचायत की ओर भी अपनी नज़र घुमाएं। मेरा नाम शिशुपाल श्याम है, मैं इकनान का रहने वाला हूं। इस बार जो बरसात में बारिश, इतनी बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो मनोली में गांव में पड़ता है, एक वहाँ से जो रोड का जो पानी आ रहा है वहाँ पर कोई प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, जो पानी जो सारा खड़ान गाँव के आ रहा है और इससे हमारे जो मकानों को तो खतरा बना बना, बगीचे सारे गिर गए और दोनों साइड जो हमारा रोड बंद है, हमारी दुकान भी यहाँ खाली करनी, हम सामान कहाँ ले जाएं, दोनों साइड से रोड बंद है। रोड प्रशासन से कोई आया नहीं यहाँ पे, ना रोड खुल रही है, दोनों साइड से मकाने भी डैमेज, बगीचे इतने स्थिति में। मेरा नाम प्रकाश है, मेरे घर के ऊपर स्लाइड हुआ, मेरी दुवाली दुवाली गिरी और नीचे बहुत खतरा है। यहाँ पर मैं दूसरे के घर में रह रहा हूँ। हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि हमारी मदद करे, कृपया। मैं ग्राम पंचायत खड़ान की प्रधान रमीला कैरो आपके सामने लाइव हुई हूँ। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ग्राम पंचायत खड़ान में बहुत ही नुकसान हो गया है। ये बरसात तो पूरे प्रदेश में हो रही है, ननखड़ी क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हो गया है। पर मैं अपने पंचायत की बात करूँ, यहाँ पर जो हमारा खड़ान बाज़ार है, पूरा बाज़ार आज डैमेज हो चुका है। जितने भी यहाँ पर मकान थे, PWD की जो हमारे पड़ोसी पंचायत खूनी पंचायत आती है, वहाँ एक बमनोली गांव है, वहाँ की प्रॉपर ड्रेन ना होने की वजह से दो दिन पहले यहाँ इतना ही बड़ी भूकंप, बरसात हुई, इतना ऐसा लगा कि बादल फट गया है। हमारे जो बस स्टैंड खड़ान है, यहाँ 20 मकान है, 20 मकानों के घर में सब में पानी घुस गया और आज की डेट में 4 मकान गिरने की कगार में, जो एक घंटे से भी गिर सकते हैं, आधे घंटे से भी, 10 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, ये कहना तो असंभव है कि कितने दिन लग सकते हैं। आपका मकान भी खतरे में है? मेरे मकान में भी 35 कमरे बने हैं, जो कि मेरे मकान के साथ एक घर है सतीश चौहान जी का, उनके भी काफ़ी मकान बन चुके थे, 15 एक कमरे उनके भी है और वो मकान अब बिल्कुल स्लाइड हो गया है। 3-4 कमरे की दीवारें तो गिर चुकी हैं, उसके में जो कॉलम है, जो बीम होते हैं, हमारे पिलर होते हैं, वो टूट चुके हैं। उसकी वजह से अगर वो मकान गिरता है तो मेरा मकान भी खतरे में है। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।